अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तेल कब से भैया चल रहा है तुम्हारा? न्यूज पेपर में भी नहीं देना खाने पीने का चीज़ दिख तो नहीं रहा अभी। कढ़ाई कब अभी पिछली बार डाला? गैस की टंकी घरेलू है, निकालो इसको। ये निकालो इसको, बढ़ा रही हूँ। निकालो चालीस वापस यहीं छोड़ना है क्या? एक बोलो बस बस। फिर क्या करो यार, आ गया तो हेलो अमित भैया, ठीक है? ठीक है। Thank you.
सरकार का है उसे तो मानना पड़ेगा। आप लाइसेंस लेने लाइसेंस की पट्टा रखा तुम्हारे पास आई तुम्हारे पास आएंगे। जेल कब से भैया चल रहा है तुम्हारा? न्यूज़पेपर पेपर नहीं लाना खाने पीने का चाहिए। दिख तो नहीं रहा अभी कढ़ाई कब अभी पिछली बार डाल गैस की टंकी घरेलू है निकलो इसको ये निकलो इसको अभी निकलो इसे निकलो किस तरह कार्रवाई चल रही है और क्या कार्रवाई चल रही है? ये कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन के जो तारतम्य में चल रही है धारा 253, 254, 255 के तारतम्य में। कि अभी कितने दुकानों को आपने बंद कराया? जो अभी हमने 8 दुकानों को बंद करवाया है। किस कारण से बंद कराया था? यहाँ पे इनके पास लाइसेंस नहीं था इसलिए बंद करवाया। अरे यहाँ देखा कुछ खाद्य सामग्री भी थी उनको भी आपने जब्त कराया? जो शुद्ध मानक में नहीं थी उनको हमने जब्त किया है और तकरीबन 15 किलो के एवरेज से हमने जो है मटन को निष्ठीकरण की कार्रवाई की। कब तक चलेगी कार्रवाई आपकी? तो लगातार 15 दिनों तक चलेगी। ठीक है, अभी आज की तारीख में कितनी दुकानों को भी बंद करवाया अभी आपने? 8 दुकानों को बंद करवाया। आपका नाम? हरेंद्र सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर निगम देवान। बटन चिकन दुकानों पर कार्रवाई की गई थी, किस तरह कार्रवाई की गई और क्या कार्रवाई की गई है? शासन के बहुत स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं कि खुले में मांस और मछली के विक्रय पर रोक लगाई जाए, उसी के तहत आज हम लोगों ने देवास नगर निगम के सुपारी हाट में एक कार्रवाई प्रारंभ की है। लगभग 10 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। कुछ नॉन वेज के मामले नष्ट किए गए हैं और कुछ ऐसे खाद्यान्न जो मानव के उपयोग के लिए हानिकारक थे जैसे जले हुए तेल आदि उनको भी नष्ट किया गया है। कुछ ऐसे बर्तन जो रेस्टोरेंट्स में पाए गए या जो ठेलों पर पाए गए जो बहुत ही खराब स्तर के थे जिसपे खाना पकाना और उसका इस्तेमाल करना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था, ऐसे बर्तनों को भी विनष्ट किया गया है। आज से ये कार्रवाई प्रारंभ की गई है, कल हम लोग और इसको विस्तारित रूप से देंगे। साथ ही कल प्रचार प्रसार और मुनादी कराकर सभी से आग्रह भी करेंगे कि वो स्वमेव हटा लें और नहीं तो परसों हम लोग बहुत निर्दयता से इसका पालन कराएंगे। शासन के जो आदेश हैं उसका सख्ती से पालन होगा और मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने वाले ऐसे खाद्यान्न सामग्री या सड़े गले फल जो बेचे जा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। आज सिर्फ रेवेन्यू और नगर निगम का हमला था, कल से फूड सेफ्टी का हमला भी लगेगा और पुलिस का भी हम लोग की मदद लेंगे।